पाचपौली पुलिस थाना अंतर्गत शुक्रवार की रात प्रेम प्रकरण के चलते एक 18 वर्षीय नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया। इस घटना से परिसर में दहशत का माहौल निर्माण हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक 18 वर्षीय कपिल बेन था, जो मोतीबाग निवासी था। उसके परिवार में एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। वही उसके पिता का देहांत हो गया है। कपिल शादियों में ढोल बजाने का काम करता था। शुक्रवार शाम कपिल की प्रेमिका ने उसे फोन कर लश्करी बाग स्थित शीतला माता मंदिर के ग्राउंड के पास मिलने बुलाया, जिसका पता प्रेमिका के मौसेरे भाई अविनाश उर्फ कालू सहारे, विवेक उर्फ भुरिया सहारे को पता चला, जिसके बाद दोनों आरोपी उनके मित्र कुख्यात अपराधी उमेश चिकाटे के साथ वहां पर पहुंचे, जहां उमेश ने मृतक के साथ विवाद करते हुए पूछा कि तू यहां क्या कर रहा है और उसके साथ मारपीट की। पश्चात उसके मृतक वहां से भाग निकला। आरोपियों ने उसका पीछा करते हुए उसे बस्ती की गली में गिराकर पत्थरों और ईंटों से मारकर उसका सिर कुचल दिया और उसे मौत की घाट उतार दिया। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। काल रात्रि 9 ते 9:15 के दरमियान ही घटना झालेली आहे, ज्यामध्ये मृतकचं नाव आहे कपिल बेन आणि ते जे ढोलकचं काम करत होता त्यांचा जे मर्डर झालेला आहे ते विटा मारून ते मर्डर झालेला आहे। पण जे फिर्याद लिहिली आहे त्या फिर्यादमध्ये 3 आरोपी आहे, ज्यामध्ये उमेश चिकाटे आहे आणि विवेक सारे आणि अविनाश सारे हे तिघा एकही परिवारमध्ये ते बिलॉंग करत आहे। आणि जे रीझन आतापर्यंत क्लिअर झालेलं नाही आहे, पण ते प्रायमेफिताई जे रीझन आहे ते काय ते जे इलिसिट अफेअरवर आणि जे लव अफेअरवर आहे। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की शिकायत मृतक की मां द्वारा किए जाने की जानकारी सामने आई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।